अब जरा फटाफट नुकुर हाल दे दो, मैं तो फिर ऑल लाया जा, फिर जाग रही बच्ची। मौसम के हाल अभी अभी बेहाल, सुबह तो कौन खाएगा कि इतने प्यार लग रहे हैं, 100-100 वाले हैं। ओए गॉड, अच्छे से दिखाओ 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 पहली बार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग पर, और आप सबका फिर से ऊपर हेलो एवरीवन कह रही हूँ, और आप सबका फिर से दोबारा बोल रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग पर। और क्या करूँ इसको, कोई बात नहीं, इसकी आवाज़ तो आती रहेगी। मशीन चल रही मेरे बैक साइड में, आई होप कि सब लोग बड़े होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और ये रहे हमारे बब्बू मां से, हेलो आज सिर्फ आप सबको हमारी तरफ से वैलेंटाइन वीक की बहुत सारी ओहो साला, यहाँ बीवी खड़ी है तब से, उसको तो यही वैलेंटाइन डे का तो कुछ चीज मिस नहीं हुआ, तो वो लोगों को बड़ा वीक विक्स कर मिस कर रहे यार। बीक, 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 बीक। ये बड़े गलत चीज, मेरे गले में दर्द हो रहा है, ये बड़ी गलत बात है। सुबह सुबह कर रहे ओहो, आज क्या है, रोज दोगे? Oh my God! Wow! चलिए अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, उनको भी निकलना, अभी ऑफिस में भी लेट हो जाएगा, बाकी बात मैं बाद में करूंगी, क्योंकि अभी मशीन चल रही है, आवाज नहीं आएगी। टाटा भाई, 10 बजे मिलते हैं। रात को सीधे गुड नाइट कहने होंगे, बोलो। टाटा बाय। टोपी नहीं ले जा रहे आप? आज सुबह दिखती होगी हमेशा मेरे कैमरे में, मेरे व्लॉग में आपको मॉर्निंग में हमेशा रात दिखती होगी, लाइट जली हुई दिखती है, बट आज मॉर्निंग का व्यू दिखेगा आपको, क्योंकि बब्बू की शिफ्ट हो गई चेंज, तो अब उसी चक्कर में टाइम ऐसे ही है, कभी अभी आएंगे सीधे रात को 10 बजे, उस वक्त खाना बनाओ बना बनाओ खाना बनाओ खाओ खाओ के सो जाओ, बस ना बातचीत ना कुछ ना कुछ नथिंग, बाकी काम भी करती हूँ, कपड़े भी धोने छोड़ रखे हैं। मैंने देख लिया आए थे जा रहे करके, तब से बाइक झाड़ने में ही लगे पड़े हुए अपनी, जितने बाइक में झाड़ रही और मम्मी सारे काम छोड़ के वहाँ से खड़ी रही। मैं कब से खड़ी हूँ बात करूँ कि अभी ये निकलेंगे तो मैं यहाँ से वीडियो बनाऊँगी करके, व्लॉग बनाऊँगी करके, और पता नहीं कहाँ घुसे पड़े तब से, पता नहीं बाइक में क्या लगे पड़े हैं इनको, हो गया 5-10 मिनट तब से। A few moments later. आप निकले तब से तब से अब निकल रहे हैं, बाप रे महान आदमी, महान प्राणी है बब्बू। तो मेरे कपड़े धो चुके हैं, अब चलते हैं छत पे और कपड़े डाल के आते हैं, देख के आते हैं मौसम की, थोड़ा धूप का भी लुक लेके आते हैं, ठीक है। मैं तो आई हूँ बिना स्वेटर के, बट हवा चल रही है, धूप तो है बढ़िया सी, और फाइनली नीला आसमान देखने को मिला दिल्ली में, नहीं तो सफ़ेद बट देखी और गए ना पूरा हौला हौला है। चल जरा काम लगेगा सही है, अब जरा फटाफट लुकड़ हाल दे दूँ, नहीं तो फिर ऑल लाया जा, फिर जाग रही बच्ची। तो कपड़े मेरे डल चुके हैं यहाँ पे, हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, क्या बताऊँ, मेरे बालों से पता चल रहा तो अब मैं करती हूँ अपना लंच, ब्रेकफास्ट तो कहता हूँ बब्बू के साथ में ही, लंच भी इससे जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि फिर मेरे मूड का पता नहीं, और अभी फिर भूख लगी है तो खा लेते हैं, उसके बाद बात की बात देखी जाएगी। क्यों छत्ती थोड़ी देर लेट जाऊँगी, सिफाई हो जाएगी बॉडी की ना, बढ़िया वाली सो भी जाऊँगी अगर नहीं आती तो क्या करें, अच्छा रहा हो। हाँ, सारे कपड़े कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो बढ़िया कभी घाम ले तब्बे रखो मनी पाख मटी, और आधु लुकुर सूख राशि उल्ले उठे भी लेको फोल्ड फाल्ड कर देती हूँ सर रही, अब आधु दो चार लोग रह चलो पसंद नहीं, अब कहाँ मैं सोचती छत पर सो जाऊँगी, फिर बस भैया बैठे हुए थे, फिर मैंने कहा छोड़ो यार अभी नहीं सोते हैं, नीचे चलते हैं। तो फिर से मौसम ऐसा हो गया जैसे कि बारिश हुई, अभी तक धूप आई थी इतनी बढ़िया, और अभी भी धूप गायब हो गई है। अब मैं पहले जाती छत में, ज़्यादा कपड़े तो नहीं, थोड़े कपड़े तो मैं ले आई थी फोल्ड वोल्ड करके, अभी कुछ कपड़े और बचे हैं छत में, 2-3 कपड़े मैं वो भी लिया, तो उसके बाद मैं बनाती कॉफ़ी अपनी लिए। मौसम के हाल अभी अभी बेहाल, सुबह तो कौन खाएगा कि बारिश वाला मौसम हो करके, अभी देखो ऐसा लग रहा बारिश होने वाला है, और आज है वेडनेसडे, और वेडनेसडे को ही ऐसा होता है, अकेले मार्केट जाने का मन नहीं करता, कोई साथ में हो तो मार्केट जाया भी जाता है, बट जाना तो पड़ेगा ही, सब्जी वगैरह भी लेनी है और थोड़ा कुछ काम भी है, 4:30 हो गया है, चल देती हूँ, बाद में मौसम का भरोसा नहीं कि कब पलट जाए, हिटो पहल।
तो मैं हो चुकी हूँ रेडी मार्केट जाने के लिए टेंट में, बट मैं वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं अकेले हूँ। अगर कोई साथ होता तब तो ठीक है। लास्ट टाइम भी मेरे साथ क्या हुआ वहाँ पे, वो तो मेरे साथ में थे, मैं सामान ले रही थी तो बगल में एक लेडीज आके खड़ी हुई थी, तो इतने मुझे इशारा कर दिया था कि तुम इधर को आओ, हटो उधर से, इधर आओ करके, तो मेरे बगल में आके खड़े हो गए। देन जस्ट जैसे ही हम उधर से इधर को मूव किए ना, तो वो औरतें दो थी, मतलब मैं वो लेडीज जो थी दो थी, तो उनको किसी ने पकड़ लिया वहाँ पे, सब ने पकड़ के खेल लिया कि चोरी कर रही है वो करके। जिस दिन बोलते कि मेरे को पहले डाउट हो गया था इसलिए मैंने तुमसे बोला कि इधर का हो करके, पहले उसने उस लड़की को धक्का दिया, मैं पैसे निकालने लगी तो वो सोच रही होती कि इसका पैसे निकालने में ध्यान रहेगा तो मैं तब तक हाथ मार साफ कर लूँगी, सोचा उसने। तो वो तो नीचे बीच में बब्बू आ पड़े, तो उस चक्कर में फिर वो मौका नहीं मिल पाया उससे, फिर वो आगे जाके ऐसे ही करने लगी। तो इसलिए बी अवेयर, मैं भी जाऊँगी, अभी भीड़ भी कम होगी और ब्लॉग तो मैं नहीं बनाऊंगी, फिर आपसे मैं आगे मिलूँगी। भगवान जी का मंदिर का पार्ट भी बंद है और ये रहा पार्क। मैं डेली सोचती हूँ कि यहाँ को मैं आऊँ पर टाइम नहीं मिलता है, घर के अंदर ही अंदर ही कहाँ दिन चला जाता पता नहीं चलता है। धूप आने के बाद तो थोड़ा मौसम अच्छा लग रहा, खुला खुला सा, आगे पीछे का कुछ पता नहीं होता। दीदी मुझसे बोलते रहते कि पार्क में चले जाना, बट अभी देख के लग रहा कि हाँ आ जाना चाहिए। ऐसे देखती हूँ, अगर मौका मिलता तो 3 बजे आके ही बैठ जाऊँगी, थोड़ी देर क्या करना है घर पे भी। मैं पहुँच गई हूँ बुद्ध मार्केट के पास, मेरे ख्याल से भी दुकानें लग रही है, ये सामने लगती है यहाँ से पूरी अंदर को बुद्ध मार्केट। अभी भीड़ का मैं तो मैं सोची थी व्लॉग बना लूँ, और मुझे जो चाहिए थी एक चेरियों की माला फाइनली मिल गई, बड़ी महंगी मिली, लूटते तो है यहाँ पे खैर लोग। अभी मार्केट में खाली खाली से है तो अभी मिलने में भी दिक्कत नहीं रहेगी मुझे सामान इजीली। लग रहे 200 के हैं बच्चों के, ये सारे 200 वाले शूज़ हैं सारी। अभी मार्केट लग रही है इस घर को। बच्चे के कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं, बेड की कॉस्ट है कॉटन है ना ये पूरा, मुझे कॉटन में चिकन करी, चिकन कड़ी ये चिकन वर्क में बच्चों का 500 का। यहाँ पे इतनी सारी सैंडलें लगी हुई है चमचम आती हुई, किसी को चाहिए तो बता देना भैया। इतने प्यार लग रहे हैं, 100 वाले हैं। तो और ये कड़े सब अलग अलग रेंज के, सब 100 के भी। मैंने तो सामान ले लिया, अब निकलती हूँ घर को, भीड़ भी कम थी इसलिए ले भी लिया, वरना फिर कहाँ हो पाता प्रॉपर। चलो भैया लग जाओ रस्ते। हम तो आ चुके भैया झोला उठा के घर को, खाली बब्बू भी मिला जाना था, समझ भी नहीं आ रहा था, बट इतना था कि थोड़ा भीड़ भाड़ नहीं थी तो मैं ले आई। तो मैं गई थी 4:30 बजे और 6 बजने वाला है, सामान मेरा आ चुका है, अब करते हैं शाम के खाने की तैयारी भी, बब्बू भी आएंगे 10 बजे तक। तो एक काम करती हूँ, उसका बहुत टाइम से छोले खाने का तो मन कर रहा था, तो ये पहले उनको मैसेज ड्रॉप करती हूँ क्या खाना है क्या बनाना है करके। हाँ जी, तो मैं तो लग गई थी आते ही अपने हिसाब किताब में, और मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि मैं जो ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया, मतलब मेरा ये रहा, ये चरे वाली माला थी जो मेरी माला है, मुझे उनसे एलर्जी सी हो रही थी, और बब्बू तो कहते निकाल दो प्रॉब्लम हो रही है, तो बट फिर अच्छा नहीं लगता ना गला खाली खाली सा, तो फिर मिल गई फाइनली, ले आई मैं, और अब मैं इसको पहन लूँगी फाइनली, थोड़ा सुकून मिलेगा मुझे। काफ़ी एलर्जी हो गई थी बहुत ज़्यादा, दाने दाने से परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा, बट इसमें फिर भी अभी भी ये एक जो लॉक होता है ना ये मुझे प्रॉब्लम करता है, इसका भी कुछ कर ले जुगाड़ कर ले कर, इसमें मैं लगा दूँगी नेल पेंट जो आती है ट्रांसपेरेंट वाली, वो तो ये कवर हो जाएगा है ना बढ़िया। देखिए
कब से ढूंढ रही थी। आज मार्केट थोड़ी खाली थी ना, तो अच्छे से देखा भी गया, पूछा भी गया और लिया भी गया। अभी शाम को वही भगदड़ मच जाएगी बहुत ज़्यादा वहाँ पे, भसड़ सी। मैं कब से यहाँ पे लटक के वेट कर रही थी पप्पू के आने का। आ गए वो जल्दी से। अब मैं बना देती हूँ आपसे रोटियाँ और दिखाती हूँ जी। कितना लम्बन चार होता है यार सुबह से। ओए गॉड, अच्छे से दिखा दिखा दिखा, पहली बार इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक, इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। अभी यहाँ 60 रुपए के हो गए। थैंक यू। तुमने ओके अभी के भेजा? ओके तो मैंने कभी भेज दिया था। कितने मतलब 2 साल बीत गए, दूसरे साल में गुलाब, 2 साल बाद आज गुलाब दिया है। एक बार कब था? वुमेन्स डे में। उसमें भी बोला था कि मैं वैसे भी वुमेन्स डे में तो देते थे, मैंने दिया। थैंक यू, थैंक यू। चाय वाय लेंगे या फिर सीधे ना खाना बनाओ? चलो फिर डन, बनाते हैं खाना। टाइम तो है नहीं, व्लॉग भी एंड कर देते हैं, आपको वेट कर रही थी कब से। तो आज के व्लॉग को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपसे आने के नेक्स्ट व्लॉग में। कल क्या है? चॉकलेट डे। कल कौन सा डे है कमेंट करके बताना। आज तो रोज डे था। तो चलिए आज के व्लॉग को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपसे आने वाले कल के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।